when it comes to India, the thing, the Indian jersey, so there is no impactful player. Everyone is impactful. होम कंडीशन का बिल्कुल फायदा होगा, ये होम कंडीशंस में हमारे काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं हम लोग। केएल राहुल नहीं, वो अच्छा प्लेयर है, उसके दिन खराब चल रहे हैं, इज अ ग्रेट प्लेयर यार। नमस्कार, आप सौगन टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार सिंह। 3-4 महीने बाद क्रिकेट फैंस के लिए इंडिया में एक बार फिर से बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है। वर्ल्ड कप इस बार इंडिया में ही होना है। हालांकि पिछले लास्ट 10 सालों से इंडिया ने ICC ट्रॉफीज़ के नॉकआउट में काफ़ी ख़राब प्रदर्शन किया और हर बार नॉकआउट से बाहर हो जा रही है या ग्रुप स्टेजेस से बाहर हो रही है। इस बार वर्ल्ड कप को लेकर क्या पॉसिबिलिटीज़ लगती है और क्रिकेट फैंस को कौन सा प्लेयर इम्पैक्टफुल लगता है, चलिए लोगों से ही थोड़ी बात करके जानी जाए। यार मुझे यूट्यूब पे आना है यार, इंडिया जीतेगी, क्या डाउट है उसमें? इंडिया जीतेगी, हम तो नॉकआउट में हार जाते हैं लास्ट टाइम। अरे इंडिया ही जीतेगी यार, उसमें कोई शक नहीं है। प्लेयर कौन सा इम्पैक्टफुल आपको लगता है? व्हेन इट कम्स टू इंडिया, द थिंग द इंडियन जर्सी, तो देयर इज नो इम्पैक्टफुल प्लेयर, एवरीवन इज इम्पैक्टफुल फ्रॉम 1 to 11 ऑल ऑफ। विराट कोहली फॉर्म? बिल्कुल। क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? देखिए लगता तो मुझे हमेशा लगेगा भी यही, इंडिया ही जीतेगी, लेकिन नॉकआउट्स में तो हार जाते हैं हर बार। नॉकआउट्स तो एक अलग चीज़ होती है, वर्ल्ड कप चलना एक अलग चीज़ होती है। जब आप सीरियस होकर मैच खेलते हैं, यही लगता है किसी को कि इंडिया ही जीतेगी, बट ऐसा होता नहीं है जनरली। अच्छा, हम 12 साल बाद हमारे यहाँ वर्ल्ड कप हो रहा है, वनडे वर्ल्ड कप, लगता है होम कंडीशंस का फ़ायदा होगा? होम कंडीशन का बिल्कुल फ़ायदा होगा, अब होम कंडीशंस में हमारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, हम लोग जीत ही जाएंगे। जहाँ तक चांसेस है, शायद 90% चांसेस तो है इंडिया ही जीतेगी, पर 10% कुछ भी हो सकता है। सेकंड फेवरेट टीम? सेकंड फेवरेट टीम है मेरी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, आप क्रिकेट देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। क्या लगता है इस बार 12 साल बाद होम कंडीशंस में वनडे वर्ल्ड कप हो रहा है, कौन सी टीम जीतेगी? इंडिया ही जीतेगी। इंडिया जीतेगी, बिल्कुल। हम तो हर बार नॉकआउट सेमीफाइनल फाइनल में जाके हार जाते हैं, अभी WTC में हार गए। नहीं नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि हार जाते हैं या नॉकआउट में बाहर हो जाते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बट इस बार इंडिया ही जीतेगी ये हम बता रहे हैं और सब बता रहे हैं, इंडिया ही जीतेगी। अच्छा, कौन सा प्लेयर इम्पैक्ट कर रहा? विराट कोहली। हाँ जी, देखते हैं। वर्ल्ड कप हो रहा है भारत इंडिया में, वनडे वर्ल्ड कप 12 साल के बाद, लगता है कौन जीतेगा? बिल्कुल लगता है इंडिया जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी। हम तो नॉकआउट्स में हार जाते हैं, तो क्या हो गया? WTC के फाइनल। आप एक चीज़ बताओ, अगर हम ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप इंडियन है ना, हम इंडियन है तो हम ही सपोर्ट तो करेंगे ना, बट ऑब्वियस ही बात है, क्रिकेट है तो हारना जीतना तो लगा ही रहता है, दो टीम खेलेंगी तो एक जीतेगी एक हारेगी, बट हम सपोर्ट करना थोड़ा ना बंद कर देंगे। अच्छा, आपको लगता है BCCI कुछ प्लेयर्स को फेवर करती है? बोल सकते हैं। जैसे? जैसे नाम तो नहीं ले सकता, आप भी समझदार हैं, आप खुद समझ सकते। KL राहुल नहीं, वो अच्छा प्लेयर है, उसके दिन खराब चल रहे हैं, इज अ ग्रेट प्लेयर यार। सेकंड फेवरेट टीम? मेरी सेकंड फेवरेट टीम, मैं इंडिया के बाद अगर किसी को सपोर्ट करता हूँ तो वो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका चोकर्स? बिल्कुल, मेरा फेवरेट प्लेयर है उसमें AV de Villiers, मुझसे बहुत उन्होंने करता हूँ ले ली, अलग बात है, बट टीम तो एक टाइम पे जब वो था तो टीम थी ना, अभी इंडिया में कुछ प्लेयर चले जाएंगे अच्छा खेलना बंद कर देंगे तो हम तो तब भी इंडिया को ही चेयर करेंगे ना। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्लेयर इम्पैक्ट कर सकते? इम्पैक्ट मेरे हिसाब से, इम्पैक्ट प्लेयर में आप एज ए बॉलर पूछ रहे हो, एज ए प्लेयर पूछ, एज ए बैट्समैन पूछ रहे हो? एज अ प्लेयर ओवरऑल। एज ओवरऑल तो मेरे हिसाब से इम्पैक्ट प्लेयर तो ऑलवेज कोहली रहता है। विराट? विराट, विराट। या राइट, ओके, थैंक यू। 2023 वनडे वर्ल्ड कप कर लोग क्या कह रहे हैं और इंडिया का कौन सा प्लेयर इम्पैक्टफुल रहेगा, ये आपने हमारी वीडियो में देखा। देखते रहिए सौगन टीवी, कैमरामैन अंकित के साथ मैं सुन। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।